यहाँ पर शायद खड़ा होना भी मुश्किल है, पूरा गड्ढा है, पूरी जो सीट है वो टूट चुकी है। यहाँ पर खड़ा होते ही लग रहा है कि ये सीट गिर जाएगा, चारों तरफ बीड़ी ही बीड़ी दिखेंगे आपको, चारों तरफ मक्खी है, मच्छर है, कीटाणु है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी जमा है, यहाँ पर पानी में बहुत सारे कीटाणु और मच्छर पनप रहे हैं, तैर रहे हैं, आपके आंखों के सामने है ये। अब चाकू वाकू ले आते हैं तो दिखाते हैं नदेड़ी, डर के मारे बोलते नहीं है, धमकी देते हैं मार देंगे जान से, ये तारे एंगल है सारी चोरी कर ली, साफ सफाई हो जाएगी, लाइटिंग करके चले जाएंगे, पानी नहीं डालेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पे पानी ही नहीं, मोटर खराब होगी भाई कहाँ से आएगा पानी। सर ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि यहाँ की साफ सफाई करवाए, अच्छा खासा रखें इसको, लोहे वगैरह सब बेच दिए, एक चीज की साफ सफाई है बस। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के नारे तो आपने खूब ही सुने होंगे। फिलहाल हम भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं हम जन सुविधा परिसर DUSIB दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड दिल्ली सरकार जे बस्ती राजीव गांधी कैम हस्पताल जो कि उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के करीब है, तो काली बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छता का निरीक्षण करने इस काली बस्ती के शौचालय में आए हैं, ये जो जन सुविधा परिसर इसमें आए हैं। आइए यहाँ का मुआयना करते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है, क्या हालात है, कितनी स्वच्छता है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर स्वच्छता की मिसाल आपके सामने, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा साफ सफाई है, ये पूरा जो डिब्बा है सफाई से तार तार नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते, ये देखिए आप, ये शौचालय है, दरवाजा पूरा जर्जर है, अंदर न पानी की सुविधा है न गंदगी का। यहाँ पे साफ सफाई होती है? होती तो है, मगर ये है ज्यादा गंदगी, कोई आता है नशा करता है तोड़ फोड़ देते है सारे, पीछे से बच्चे होते हैं। यहाँ कोई रोकता तो नहीं है कि नशा क्यों कर रहे हैं या फिर क्या दिक्कत? मना करते हैं बहुत, जब भी नहीं मानते नशा करते रहते हैं। पानी वानी है? पानी अभी गया हुआ है, लाइट आ नहीं रहा है पानी, इसलिए बाकी का सफाई वफाई सब सही रहती है। कहाँ सफाई, तो दिख रहा है गंदगी है चारों तरफ। गंदगी तो है मगर पानी नहीं आया अभी, अभी क्या सुबह से ही नहीं आया, सब जा रहे है पानी उधर से ला रहे हैं टूटी से बाहर से। यहाँ पे ऐसे ही एकदम रहता है कि साफ सफाई? बिल्कुल सर सही रहता है एकदम, यहाँ पे हम कहाँ सही रहता है, कहाँ सही रहता है, तैयार तक पानी नहीं है तो ऐसी गंदगी पड़ी रहेगी एक दिन में। ये तो एक दिन का हालत नहीं लग, ये तो मुर्चा खा गया एक दिन का, लग रहा है टूटा हुआ है सब दरवाजा। साल हो गया इसको बने हुए, 5 साल से एक बार भी इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, मरम्मत नहीं हुआ, एक बार भी कुछ नहीं हुआ। हमने 2-3 बार डब्बा जुड़ा है तो हमने ही कराया। अब हम नशे वालों को बोलते हैं तो भैया लड़ने को आते हैं, छुरी चक्कू कौन उनके खाएगा, नशेड़ियों से हम लड़ने। नशेड़िया? हाँ भैया डरते हैं, उन पे रहते हैं छुरी चक्कू मार। दोस्त यहाँ पर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। कितने सालों से ऐसे ही देख रहे हैं? सालों से नहीं देख रहे, हर रोज आता था पानी, आज ही नहीं आ रहा पानी, ये ऐसे सब टूटा फूटा ऐसे ही रहता है? ऐसे नहीं, आज ही पहले, आज ही टूट गया, पहले मूर्छा नहीं था, आज हम आए तो मूर्छा लग गया, टूटा हुआ है, मतलब कल तक नहीं था, आज हम आए तो साला मूर्छा उर्चा लग गया है और उसके बाद ये सारे गंदगी उंदगी आ गई है। अच्छा तो पता चल गया था हमारे, तो तुरंत गंदगी उंदगी कर दिया, मूर्छा गंदगी कर, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे आने के बाद इनका कहना है कि यहाँ मूर्छा लगा दिया गया, गंदगी फैला दी गई है। आप देख सकते हैं कितना जर्जर हालत है यहाँ का, आप देख सकते हैं पूरी जो सीट है टूटी हुई है, गंदगी है चारों तरफ। हमने लोगों से बातचीत की, उनका ये कहना है कि यहाँ पर पानी नहीं आ रही है और पानी का तो यहाँ पे कोई स्रोत भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर अंदर कोई भी टोटी कोई भी नल नहीं है, दरवाजे पूरे जर्जर हैं, अंदर बीड़ी गुटखा पूरा भरा पड़ा है, जितने भी डब्बे हैं सब जर्जर हैं, एक से बढ़कर एक हैं, आप चारों तरफ देख सकते हैं। इस डब्बे को देखकर तो यहाँ पर शायद खड़ा होना भी मुश्किल है, पूरा गड्ढा है, पूरी जो सीट है वो टूट चुकी है, यहाँ पर खड़ा होते ही लग रहा है कि ये सीट गिर जाएगा, चारों तरफ बीड़ी ही बीड़ी दिखेंगे आपको। इधर के नीचे की कोई पत्ती थी वो भी चोरी करके ले गए, तो यहाँ पर कोई देख कोई वो नहीं करता देख रहे कि ये जो केयरटेकर मना नहीं करती क्यों तोड़, करने के बाद भी जब भी लड़ाई करते हैं कि आप चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पर गंदगी ही गंदगी है, देखने से तो यही लगता है यहाँ पर शायद जब से ये शौचालय बना है, जब से जन सुविधा परिसर का निर्माण हुआ है उसके बाद से यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर कभी साफ सफाई हुई ही नहीं है। आइए और देखते हैं यहाँ पर आगे के दृश्य क्या, आप देख सकते हैं ये जो पूरा डब्बा है शौचालय का, ये पूरा मूर्छा खा गया है, पूरा ये जो लोहे का है पूरा खराब हो रखा है। यहाँ के बंदे ही बेकार है भाई, उन्हें खुद नहीं पता साफ सफाई कैसे करनी है, साफ सफाई हो जाएगी लाइटिंग करके चले जाएंगे, पानी नहीं डालेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पे पानी ही नहीं आ रहा, तो मोटर खराब होगी भाई कहाँ से आएगा पानी,
मोटर का मरम्मत नहीं करवाया जा रहा है, जो एमसीडी है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है वो यहाँ की देखरेख नहीं करती है, पैसा नहीं भेजती है मरम्मत करने के लिए कर्मचारियों को नहीं भेजती है। अब ये तो पता नहीं है भाई, इतना मेरे को पता नहीं है। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है यहाँ की, कितना एक डब्बा तो जर्जर हो गया, पूरा टूट गया, यहाँ पर इसको कूड़ेदान बना दिया गया है, यहाँ पर दारू के डिब्बे, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आप देख सकते हैं, फिर बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शायद स्नान के लिए हाथ धुलने के लिए चार नल के कनेक्शन दिए गए हैं लेकिन चारों बंद कर दिए गए हैं, यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, सबका मुंह बंद कर दिया गया है। भी तीन कनेक्शन दिया गया, एक कनेक्शन जो अंदर की तरफ गया है, अंदर एक टोटी है लेकिन वो भी खराब है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टोटी का तो मुंह बंद कर दिया गया, बोतल वोटल फेंका हुआ है यहाँ पर, चेक करते हैं इसमें पानी वानी आ रहा है, देखिए इसमें भी पानी नहीं आ रहा है, एक टोटी का तो मुंह खोला गया है, टोटी लगाई गई है प्लास्टिक की लेकिन उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। अंदर आप देख सकते हैं दरवाजा पूरा टेढ़ा हो गया है, इसको शायद इसको छुए तो गिर भी सकता है, इसकी स्थिति इतनी खराब है, इतनी हालत जर्जर है। यहाँ पर शौच करने अगर कोई आता है तो पता नहीं शौच कर पाए या ना कर पाए, ये तो एक दुविधाजनक सवाल है, लेकिन वह बीमारी अपने घर जरूर ले जाएगा क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा यहाँ पर गंदगी, इतने ज्यादा कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियां और बीमारी है कि जरूर अगर आदमी यहाँ प्रतिदिन आता है तो वह बीमार होकर ही जाएगा। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं। मैम आप यहाँ की केयर टेकर? जी हाँ। तो यहाँ पर जैसा कि हम अंदर गए देखे काफी गंदगी है, दरवाजे टूट गए हैं, पानी नहीं आ रहा है टोटियों में, तो दिक्कत कहाँ है? पानी तो रास्ते नहीं आ रहा ना, लाइट भी ऊपर से हिली हुई है, मेन जो खंबे से लाइट आ रही है। अच्छा, लाइट कल पानी कल से, और ये जो दरवाजे टूट गए हैं गंदगी है, ये तो कम्प्लेंट हो चुकी है, चेकिंग भी कर गए, इंक्वायरी भी कर गए, आएंगे जब आएंगे डब्बे। तो जो एमसीडी है, एमसीडी की देखरेख में? एमसीडी में नहीं है ये, किसके देख? ठेकेदारी में है, ठेकेदारी में, झाड़ू वाले के उस अंडर में है, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखे हैं ये। तो जो इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं या फिर जो जिस भी सरकारी संस्थान के अंदर आते हैं, वो देखरेख करने नहीं आते हैं कि मोटर खराब है? नहीं आते हैं, आते हैं लेकिन कुछ पैसा इस पे नहीं खर्च करते, कुछ मरम्मत नहीं करवाते। ठेकेदार क्यों करेगा, उनको तो ठेका मिला, बाकी मेंटेनेंस का तो सरकार का ठेका, उनको ये मिला है ना कि मरम्मत कराए, चाहे ठेकेदार हो या सरकार भी, तो कल परसों मोटर फूकी थी, मोटर उन्होंने ठीक कराई है, आते हैं कोई नलका का टूटा हो या कोई नलका, तो अंदर पूरे हम अंदर घुमा सिर्फ एक नलका है, हमने निकलवाया क्यों, क्योंकि पब्लिक इतनी तंग करती है, पब्लिक इतनी तंग करती है, एक नलका भी लगवा दो शाम तक मिलेगा नहीं, पानी बहता रहता है, वैसे ही वेस्ट होता रहता है। यहाँ पर मतलब आप कंप्लेन नहीं करती हैं, आप उनको डांटती नहीं है कि क्यों ऐसा? अब बैठे हैं चिल्लाते रहो, कोई लड़के जाता है, कोई गाली दे के जाता है, ऐसे ऐसे गंद बक के जाता है, हमें सुननी पड़ती है, आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं पब्लिक। प्रशासन का सहयोग नहीं लेती है, जो आसपास पुलिस बूथ है या पुलिस चौकी या थाना है कि हमारे यहाँ ये दिक्कत है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू अंदर फेंका हुआ है और हमको डराते हैं, इतना इतना बोतल अंदर से निकालते हैं हम लोग, सीट में हाथ डालने का लड़का, पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करती है, कुछ नहीं सुनते, कहते जी आप किस लिए बैठे हो, आप बोलो बताओ, हम लोग किससे से रोज फुड़वाएंगे, अपने रोज सिर्फ फुड़वाएंगे, यहाँ पे कॉलोनी कितनी वैसी है ये, रात बिरात को अगर हमें ऑर्डर दे रखा 11 बजे के बाद बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे चूरू चक्कू लग जाते हैं, अब किसी से लड़ाई मोल ले, जबरदस्ती खुलवाते हैं, दो दो तीन तीन बजे खुलवाते हैं, कितने बजे इसका समय क्या है खुलने का? सुबह समय तो हमारे का खैर कोई पता नहीं है, रात का हमें आपको 10:30-11 बजे बंद करने का समय दे रखा है, और सुबह 4 बजे खोल देते हैं, कभी 3 बजे भी खुलवा लेते हैं। आइए इस तरफ देखते हैं कि यहाँ ये जो इस तरफ का शौचालय यहाँ की क्या स्थिति है, ये भी काफी जर्जर है, आप देख सकते हैं इस तरफ का भी शौचालय है, काफी हालात सेम ही है। यहाँ पे पानी वानी आता है? कहाँ पानी आता है, पानी कितने दिन से आप यहाँ पे आ रही हैं? हम लोग तो काफी साल बेटा हो, तो पानी कभी नहीं आ रहा? आता है, कम आता है, बहुत कम पानी। तो यहाँ पर गंदगी है, कचरा है, काफी गंदगी, दिक्कत नहीं होता? बहुत दिक्कत तो है ही है, दिक्कत क्यों नहीं है, बहुत दिक्कत है। देख सकते हैं ये भी जो शौचालय, इधर का भी शौचालय काफी जर्जर है, ये जो शौचालय का बूथ है नीचे पूरी काई जमी हुई है, शौचालय के अंदर मक्खियां ही मक्खियां दिख रही हैं, आप देख सकते हैं कितना जर्जर हालत है शौचालय का, आप देखकर भी शायद हैरान हो जाएं कि ये कहीं किसी ग्रामीण इलाके की समस्या नहीं है, ये ना ही ये किसी बहुत ही बीहड़ इलाके की समस्या है या हम किसी बीहड़ इलाके में आए हुए हैं, ये हम फिलहाल मौजूद है भारत की राजधानी दिल्ली में, जहाँ पर सभी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार है, जो कि बड़े बड़े वादे करते हैं कि आम आदमी की सारी समस्याएं हम दूर करते हैं। फिलहाल इसी दिल्ली में, इसी
भारत की राजधानी में आप देख सकते हैं इस शौचालय की कितनी बुरी स्थिति है। यहाँ पर मक्खी कीड़े मकौड़े सब घूम रहे हैं, न साफ सफाई है, न पानी है, कोई भी सुविधा नहीं है। इतना जर्जर है ये कि आप अगर यहाँ को यहाँ सामने से देखें कैमरे में फोन में आप देख के तो हैरान हो ही रहेंगे, लेकिन और नजदीक से देख के और भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर कितनी बदबू है, कितनी गंदगी है, कितना कीटाणु है। सरकार से यही दरख्वास्त है, अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, इसको इस पर साफ सफाई का ध्यान रखें, इसके मरम्मत का ध्यान रखें, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। क्योंकि आप देख सकते हैं जो आसपास से बस्तियां दिख रही हैं हमारे चारों तरफ, ये इसी पर निर्भर है, इसी पर निर्भर है। और जन सुविधा के नाम पर जन बुखार, जन बीमारियां, जन दिक्कत, सभी दिक्कत चीजें हैं यहाँ पर। आपकी क्या राय है, अगर आप आसपास रहते हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने यहाँ पर क्या देखा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बताएंगे कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है यहाँ की स्थिति ऐसी है, और किस किस जगह पर ऐसी स्थिति आप देख रहे हैं। कैमरामैन सुमित के साथ में दिव्यांशु, छलको, दिल्ली।